केंद्र सरकार ने एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक में आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश को लागू करने से इनकार कर दिया गया है। शुक्रवार को देर शाम हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर लगी। सरकार ने अपने फैसले में कहा कि साफ हो गया है कि एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर जैसी व्यवस्था पहले से बनी हुई थी, बी आर अम्बेडकर के दिए संविधान के मुताबिक एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मोदी सरकार के फैसले से साफ है कि एससी एसटी रिजर्वेशन से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जैसे हालात अभी बने हैं वही सिस्टम आगे भी लागू रहेगा। क्रीमी लेयर को मोदी सरकार की राह। एससी एसटी में क्रीमी लेयर का आरक्षण बरकरार। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव, मोदी सरकार को नामंजूर। एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। मोदी कैबिनेट की बैठक में आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश को लागू न करने का फैसला किया गया है। सरकार के इस फैसले से साफ हो गया है कि एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर जैसी व्यवस्था पहले बनी हुई थी वैसी ही बनी रहेगी, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है, इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों के बेंच ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण देने के लिए जातियों की सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। राज्य सरकारों को आरक्षण देने के लिए जातियों को सब कैटेगरी में बांटने का हक है। क्रीमी लेयर का मतलब एससी और एसटी समुदाय के उन लोगों और परिवारों से है जो उच्च आय वर्ग में आते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान की जाए, क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ ना मिले, क्रीमी लेयर को आरक्षण से अलग किया जाए और रिजर्वेशन का फायदा दूसरी पीढ़ी को ना मिले। शुक्रवार को पीएम मोदी से बीजेपी के एससी और एसटी सांसदों ने मुलाकात की। इस दौरान सांसदों ने पीएम मोदी से अपील की कि रिजर्वेशन पाने वाली एससी एसटी की जातियों को सब कैटेगरी में बांटने और क्रीमी लेयर का सिस्टम दलितों में लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को सरकार किसी कीमत पर ना माने। हमने आज प्रधानमंत्री जी को एसटी एससी के सभी माननीय सांसदों ने एक संयुक्त रूप से एक ज्ञापन हमने दिया है। प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि इस क्रीमी लेयर का जो विषय है ये एसटी एससी पे लागू नहीं होना चाहिए, यह हमारे ज्ञापन का मुख्य जो अस्ता
प्रधानमंत्री जी ने भी इसको स्वीकार किया कि संविधान सम्मत ये क्रिमिनियर लागू नहीं होना चाहिए, ये उनने भी इस बात को कहा एस टी एस सी पर नहीं लागू होना चाहिए, ये स्पष्ट उनका समझ। ये उनके व्यक्तिगत राय है जजों के, इस पर कहीं कोई निर्णय नहीं है, व्यक्तिगत राय है। चार हमारे माननीय न्यायाधीशों का ये व्यक्तिगत राय है, पर इसलिए प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर से कहा कि क्रिमिनल लागू नहीं होगा एस टी एस सी पर, उन्होंने साफ कहा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का ज्यादातर पार्टियों ने विरोध किया है। एनडीए में शामिल पार्टियां भी कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने कहा कि दलितों को आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं बल्कि छुआछूत था, इसलिए दलितों में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर का फॉर्मूला लागू नहीं किया जा सकता। जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई उस पर हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है, इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं। चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शुरू से विरोध कर रहे हैं। वहीं सरकार में शामिल बिहार की दूसरी पार्टी जेडीयू भी इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से बच रही है। जेडीयू नेता केसी त्यागी का कहना है कि सबको बहुत सावधानी और सोच विचार के साथ इस मुद्दे पर आगे बढ़ना होगा।